आपको इस वीडियो का टाइटल थोड़ा अटपटा लगा होगा कि चंद्रयान का डायरेक्टली आईआईटी से या एम्स से क्या लिंक है। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं एक ऐसा इंसिडेंट आपको बताने वाला हूं जो आपके अंदर एक ऐसी आग लगा देगा जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हम इंडियंस इसको करने में पूरी दुनिया से आगे हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी पीछे भी चल रही है और आप अपनी आईआईटी की दौड़ में या एम्स की दौड़ में अपने आप को थोड़ा पीछे हुआ हुआ मान रहे हैं, तो इन बातों को सुनने के बाद ये वो मोटिवेशन देगा कि आप पूरी जान लगा के अपने आप को किसी भी तरीके से अपने लिए आईआईटी में या एम्स में सीट बना ही लेंगे। सबसे पहले हम सभी हिंदुस्तानियों को चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल साउथ पोल लैंडिंग के लिए बहुत बहुत बधाई। वो सभी इसरो के साइंटिस्ट बधाई का हकदार हैं, वो सभी एजेंसीज के कर्मचारी और उनके फैमिली मेंबर्स बधाई का हकदार हैं जिन्होंने इसरो को सपोर्ट किया अलग अलग डोमेन्स ऑफ चंद्रयान 3 के लिए, जिसकी वजह से प्रिपरेशन से लेके लॉन्च से लेके और फाइनली लैंडिंग तक सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं मिशन के वो सक्सेसफुली काम करते रहे और हमने ये सफलता हासिल करी। इस सफलता ने ये साबित कर दिया है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एबिलिटीज किसी भी देश से कमजोर नहीं है। हालांकि कुछ देश चुनिंदा चीजों में हमारी कंट्री से काफी आगे हैं, लेकिन ये भी प्रूव हो चुका है कि रेस लगा के पूरे वर्ल्ड के सभी देशों को टक्कर देने में या पीछे छोड़ने में इंडिया सबसे ज्यादा तेज है। दैट्स व्हाट द इंसिडेंट आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। उससे पहले आई स्ट्रांगली सजेस्ट माय डियर स्टूडेंट जॉइन आवर टेलीग्राम एट t.me/forthegalaxy। इस टेलीग्राम के ऊपर आने वाले टाइम में चंद्रयान 3 के कई कंपोनेंट्स जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 और प्रीवियस मिशन की फेलियर्स को कंबाइन किया जाए तो पूरी की पूरी फिजिक्स मैं पढ़ा सकता हूं, चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम मैकेनिक्स हो, ग्रेविटेशनल ट्रेजेक्ट्रीज हो, क्रायोजेनिक्स और थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के सारे फंडामेंटल्स हो, वेव और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो या एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स हो, हर पार्ट का फिजिक्स के हर कंपोनेंट का चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक के मिशन में इक्वल पार्टिसिपेशन रहा है। कुछ कम या कुछ ज्यादा, लेकिन उस इक्वल का मतलब एक भी कंपोनेंट फिजिक्स का मिस कर दिया जाए तो ये मिशन पूरे नहीं हो सकते। इन्हीं से रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स इस टेलीग्राम के ऊपर हम एक सीरीज की फॉर्म में डालने वाले हैं। उसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो ब्रेन टीजर्स आते हैं और जो रिसोर्सेज आ रहे हैं वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। सो माय डियर स्टूडेंट, डू नॉट मिस आउट, ज्वाइन दिस टेलीग्राम और ये चैनल ज्वाइन अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो। 1926 यानी लगभग 100 साल पहले अमेरिका के एक प्रोफेसर ने एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया था। रॉबर्ट गैडॉट ने पहला लिक्विड प्रोपेल्ड रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया था जो अराउंड 12.5 मीटर की हाइट तक गया था। ये 12.5 मीटर की हाइट कोई ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन दैट वाज द पॉइंट जहां से कि स्पेस प्रोग्राम्स के सपने देखे जाने लगे थे। और इन 100 सालों में अमेरिका ने इतनी तरक्की करी कि नासा मून या मार्स तक या किसी भी दूसरे प्लेनेट तक जाने के सपने को पूरा करने की एबिलिटी रखता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम्स की शुरुआत यानी इनिशिएटिव हुआ था 1960s में, और पिछले लगभग 60 ही सालों में इंडिया के वैज्ञानिकों की मेहनत और जुनून के दम पे हम उतनी तरक्की करते चले गए कि अमेरिका के सारे रिसोर्सेज और सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इंडियंस अपने दम पे यहां तक पहुंचते गए। सर्टेनली हमने सपोर्ट लिया है कई कंट्रीज का, लेकिन मेहनत और जुनून हमारा अपना है। ऐसे रिसोर्सेज जो सबके लिए अवेलेबल हैं उससे भी हर कोई यहां तक नहीं पहुंच सकता, और इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि 60 सालों में हम अमेरिका के 100 सालों की टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एबिलिटीज को टक्कर देने का दम रखते हैं। और ये सिर्फ इंडिया के साइंटिस्ट नहीं, मैंने अभी आपको बताया, इंडिया के हर नौजवान में वो हिम्मत और ताकत है कि अगर दौड़ लगाना शुरू करेंगे तो उस दम पे, उस दौड़ के दम पे हम फिनिश लाइन को ऐसा फोड़ के दिखाएंगे कि चाहे कितना भी पीछे रह गए हों, हम सभी को टक्कर देते हुए आगे निकलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। अपकमिंग ऑफ माय वीडियो वुड बी कंटेनिंग बैकलॉग्स, कि कैसे बैकलॉग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे आप हिट करके चकनाचूर कर सकते हो, और चाहे आप कितना भी पीछे रह गए हो आप दौड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। सिर्फ एक कंडीशन है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, और पूरी जान लगा के दौड़ते रहना है, और जुनून कम नहीं होना चाहिए। भले मेरी बातें आपके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोटिवेशन भर रही हों, लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन मैंने कई बार बताया कि टाइम के साथ ठंडा हो जाता है, लेकिन अंदर अगर आपने अभी एक ऐसी चिंगारी जला ली और उस जुनून के साथ दौड़ने लग गए तो उस चिंगारी को बुझने मत देना, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके जाना, यस सर वी आर गोइंग टू अचीव इट एंड वन डे विल मेक आवर कंट्री प्राउड ऑन वॉट वी आर गोइंग टू डू। चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाओगे रस्ते दिखने लग जाएंगे, लेकिन मन में जुनून है कि अपने देश का गर्व से सीना ऊपर करना है और अपने आप को वहां तक लेके जाना है, तो रस्ते बनते ही चले जाएंगे और आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।